देख सकते हैं सर, ये जिंदल का देख सकते हैं आप लोग, ये जिंदल का काला ईटा है, जिंदल प्लांट में ये बनता है। अभी देखिए इसमें लाल बत्ती नहीं जल रही है, इसमें इस तार को हमने ऐसे पलक में यहाँ पे लगाया है और देखिए इसमें टच करके सारी लाल बत्ती जल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें करंट प्रभावित है। अभी ईटा में करंट नहीं दिखा है, लेकिन अपन जैसे ही ये तार इस ईटा में अपन लगाते हैं, काला ईटा में अपन लगाते हैं जिंदल में, तो आप देख सकते हैं इसमें लाल बत्ती कैसे जल रही है। थोड़ा पास लगे जी, देख सकते हैं इसमें लाल बत्ती कैसे जल रही, कितने जोर से मतलब इसमें करंट मार रहा है। अगर इसमें एक बल्ब भी जलाया जाए तो आराम से इसमें एक बल्ब भी जल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके मकान के लिए कितना घातक है, ये आपके मकान के लिए कितना घातक है, ये आपके मकान के लिए कितना घातक है। आप देख सकते हैं इधर से देखा, ये आपके मकान के लिए कितना घातक है। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों कि इस ईटा को लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए। हम लोगों ने कई विशेषज्ञों से पूछा भी है, ये जो ईटा का निर्माण होता है इसमें प्लांटों से निकलने वाला स्क्रैप और भूस सारे मतलब केमिकल वगैरह मिला के इस ईटा को बनाया जाता है, जिससे कैंसर जैसी महामारी भी होने की आशंका है। ये ईटा हीट इतना ज़्यादा करता है कि जहाँ पे एक एसी लगानी है वहाँ पे दो दो एसी लगानी पड़ जाती है। एक नुकसान इसका ये भी है, तीसरा नुकसान इसका यह है कि ये ईटा आवश्यकता से ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा ठोस है एकदम। मतलब आप अगर मकान बनाते भी हैं तो अपनी जैसे बिजली का वायरिंग अगर आप कराना चालू करेंगे तो बिजली मिस्त्री आपसे 10 रुपये स्क्वायर फीट ज़्यादा लेगा सिर्फ इस ईटा के कारण, क्योंकि इसको काटने के लिए एक स्पेशल ब्लेड होती है जिससे वायरिंग की जाती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस ईटा को यूज करने से पहले आप 100 बार सोचें, अच्छे लोगों से पूछें, अच्छे इंजीनियर से पूछें, विशेषज्ञों से पूछें, उसके बाद ही इस जिंदल ईटा को आप यूज करें। इंसान घर एक बार बनाता है ज़िंदगी में, एक एक रुपया इकट्ठा करके इंसान घर बनाता है, लेकिन वो बनाने के बाद अगर आपको इतनी गंदी मटेरियल अगर आपको मिले तो आप सोच सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये ईटा यूज़ करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें, अच्छे से मतलब पता करें कि इस ईटा की खासियत क्या है और लाल मिट्टी वाले ईटा की क्या खासियत है। लाल मिट्टी वाला जो ईटा रहता है वो 100% आप लोगों के लिए अच्छा है, ना उसमें करंट की समस्या है, ना किसी प्रकार की बीमारी की समस्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें गर्मी में आपको बिना एसी के भी आपको वो चल जाएगा, मतलब गर्मी नहीं लगेगी उसमें। इसमें तो इतना हीट करेगा गर्मी में आप सहन नहीं कर पाएंगे। जानने की जिज्ञासा रहती है ना एक, जहाँ पर मिट्टी का उपयोग होना है वहाँ फ्लाइएस का उपयोग करें, ठीक है। क्यों करें? क्योंकि मिट्टी बहुमूल्य है फ्लाइएस की तुलना में। मिट्टी की एक इंच की परत बनने में लाखों साल लगते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए अन्य अपशिष्टों का उपयोग कर रहा है, मान लीजिए अन्य अपशिष्टों का उपयोग, तो कोई यदि कोई भी व्यक्ति, आप सब छोड़ दीजिए ये जिंदल है, मैं आपको दूसरा उदाहरण बता दूंगा जिसके ब्लॉक्स के ऊपर हाइवा चलता है। आप साडा एनर्जी चले जाओ, साडा एनर्जी कहाँ, रायपुर, और वो ब्लॉक्स बनाता है, ब्लॉक्स में स्लेक डालता है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, आप भिलाई गए हैं कभी? हाँ गए हूँ सर, बहुत बार गए हूँ। बहुत बार गए हो, अभी हाल फिलहाल में गए हो? नहीं अभी हाल फिलहाल नहीं गए। हाल फिलहाल में जाओगे, हो सकता है आपको देखते मिले, जितनी सड़क चौड़ी हो रही है वहाँ की सड़कें वैसे भी बहुत चौड़ी है सेक्टर एरिया की, उनका चौड़ीकरण चल रहा है। वो काहे से चल रहा है? स्लैग से, केवल स्लैग से। तो ये तो अच्छा काम होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही उपयोग हमको सोचना चाहिए ताकि अपशिष्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। ठीक है सर, ठीक। मैं अब चालू करूं सर, परमिशन दे। हाँ सर, जिंदल के द्वारा
ईटा काला ईटा बनाया जा रहा है उसमें हम लोगों को जानकारी मिली कि कंपनी से निकलने वाले स्क्रैप और केमिकल वगैरह यूज़ करके मतलब उसको बनाया जाता है, जिससे कई लोगों का मानना है और रायगढ़ में भी लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। इस ईटे से जो वायु के संपर्क में जब आता है तो उसके जो कण है रेडियंस उसमें से जो निकलती है वो वायु में जाके मिलती है, जिससे लोगों को मतलब कैंसर की बीमारी हो सकती है। दूसरा उसमें एक शिकायत ये भी आ रही है सर कि उसमें बिजली के करंट आते हैं। आपको मैंने अभी वीडियो भी दिखाया था, उसमें आपने भी देखा कि बिजली का करंट उसमें दिखाई दे रहा था उस वीडियो में। तो इसमें अब आपका विभाग इसमें क्या कार्रवाई करेगा सर आगे? आपको जैसे जानकारी मैंने दे दी है तो इसमें अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए मैं पहली चीज़ ये बताऊँ कि फ्लाई एस ईट बनाना जी, फ्लाई एस का उपयोग करना अच्छी चीज़ है जी। अपशिष्टों के का उपयोग करके कोई उपयोगी चीज़ बनाना ये भी अच्छी बात है, इससे पर्यावरण संरक्षण होता है, प्रदूषण नियंत्रण होता है। अब आपकी बात ये कि क्या कहते हैं उसमें केमिकल्स हैं या उसमें करंट आता है, ये मैं चेक करा लूँगा उनसे केमिकल कंपोजिशन की रिपोर्ट मंगवा लूँगा, ठीक है? और जो करंट वरेंट जो वो केमिकल कंपोजिशन की रिपोर्ट पे। तो सर जब तक मतलब ये जांच मतलब होती जाती है तब तक उसमें किसी प्रकार का, क्योंकि ये बहुत दिनों से बन रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं बन रहे, बहुत दिनों से बन रहे हैं, वो केमिकल कंपोजिशन की अपनी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। क्या क्या सामग्री और यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से अपशिष्ट यूज कर रहे हैं, वो अपन मंगा लेंगे, ठीक है?